भोले बाबा के सामने यहाँ ऋषिकेश में। और अब हम चल रहे हैं नीलकंठ बाबा के दर्शन के लिए। तो ये भी रास्ता है, आप इधर से भी जा सकते हो, आगे से भी है, तो हम आगे से चलेंगे। वैसे तो दोस्तों मैं हमेशा यहाँ दिन में आता हूँ, सुबह सुबह आया, 6 बजे तक गंगा जी में स्नान कर लिया और फिर अपनी चढ़ाई शुरू कर देता हूँ, तो धूप निकलने से पहले 9:30-10 बजे तक मैं पहुँच जाता हूँ। इधर से चलते हैं, वैसे आप आगे से भी जा सकते हो, हम इधर से चलेंगे। तो दोस्तों आप तीनों रास्तों में से किसी से भी आओ तो आप इधर आ जाओगे और यहाँ आके आपको सिर्फ सीधा सीधा चलना है। इस साइड जिस साइड में जा रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगी रोड और इस रोड पे आपको सीधा सीधा चलना है जब तक आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे जाता नीलकंठ महादेव मंदिर का। बोर्ड लगा होगा पैदल मार्ग का, तो जब तक वो नज़र नहीं आ जाता आपको चलना है। थोड़ी दूर है, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों यहाँ से सीधा आते आते लगभग 1.5 किलोमीटर आए और फिर ये रास्ता है जो कि जाता है नीलकंठ बाबा को। ये 8 किलोमीटर लिख रखा है लेकिन कोई 18 कहता है, कोई 12 कहता है। मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाने के लिए पहले मनसा देवी की चढ़ाई करी, फिर चंडी देवी की और अब मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मेरा पहला मनसा देवी और चंडी देवी जाने के लिए मकसद सिर्फ यही था कि जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं चढ़ाई के लिए, वो लोग जिन्होंने कभी चढ़ाई नहीं करी वो पहले मनसा देवी से शुरुआत करिए, क्योंकि वहाँ का रास्ता मात्र 1.5 किलोमीटर का है और सीढ़ियों वाला है। फिर चंडी देवी का रास्ता 3 किलोमीटर तक का है लगभग, और वहाँ की चढ़ाई थोड़ी खड़ी है। और फिर आता है ये अपने नीलकंठ बाबा का रास्ता, तो यहाँ की चढ़ाई चंडी देवी के मुकाबले भी काफ़ी कठिन है और लंबी भी है। तो आपका स्टैमिना कितना है ये आपको पता चल जाएगा जब आप पहले मनसा देवी जाओगे, फिर चंडी देवी, उसके बाद ही सोचना कि आप नीलकंठ बाबा के यहाँ दर्शन करने आ पाओगे चढ़ाई करके। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, बूढ़े भी कर लेते हैं, पर जिन लोगों का स्टेमिना नहीं होता है उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, वो काफ़ी बार थक जाते हैं। देखो मेरी भी अभी से ही सांस फूलने लगी है क्योंकि बाइक तो मैंने अपनी वहीं नीलकंठ मंदिर पर ही खड़ी कर रखी है और मैं टैक्सी करके आया हूँ यहाँ, तो ऑलरेडी मुझे काफ़ी चलना पड़ गया है। और बाकी अब ये चढ़ाई, तो चढ़ाई से पहले मैं ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका हूँ। बाकी अब आपको दिखाता हूँ नीलकंठ बाबा के चढ़ाई वाले मार्ग के नज़ारे। वैसे तो दोस्तों एक और है रास्ता जो चढ़ाई करके है, वो है लेकिन बैराज से, और वहाँ का जंगल इसके मुकाबले काफ़ी और ज़्यादा घना है, और वो सीधा नीलकंठ बाबा मंदिर के ऊपर जो झिलमिल गुफा पड़ती है उससे थोड़ी सी पहले पड़ता है। तो अगर आप बैराज से आओगे तो सीधा वहीं पहुँचोगे। उस रास्ते पे भी
मेरा जाने का मन है, पर वो थोड़े टाइम बाद। ये एक रोड पड़ेगी बीच में, उसके बाद आगे कोई रोड नहीं पड़ेगी, सीधा आप चढ़ाई करोगे फिर उतरोगे, उसके बाद मंदिर के बाद ही बाहर रोड पे आ पाओगे। तो काफ़ी लंबा रास्ता है, अगर आपको चढ़ाई का अनुभव ना हो तो एक बार सोच लें कि आप इतना चल पाएंगे या नहीं। तो ये देखिए, ये साइन बोर्ड नीलकंठ पैदल मार्ग। तो दोस्तों, यहाँ चढ़ाई शुरू करने से पहले ये पानी का एक झरना मिल जाता है, जो कि सर्दियों में तो नहीं चल रहा होता, कभी कभार ही चलता है, पर सावन में और गर्मियों में और ऐसे टाइम पे जब थोड़े लोग ज़्यादा आते हो तब चलता रहता है। तो अगर आप चढ़ाई कर रहे हो और आपके पास कोई पानी वानी की बोतल ना हो तो एक बार पानी वानी पी के चलें, क्योंकि आगे जल्दी से कोई और पानी का पीने का जरिया नहीं मिलेगा। हाँ, बहता हुआ पानी आपको रास्ते में काफ़ी मिल जाएगा। ये पहले रास्ता एक जैसा ही था, अब ये थोड़ा और टूट गया है। यहाँ ऐसा होता ही रहता है, जब भी कुछ थोड़े टाइम बाद आओ तो कुछ नया ही मिलता है, क्योंकि बरसात वगैरह में कई बार ऊपर से मलबा आ जाता है, कई बार पत्थर गिर जाते हैं और कई बार हाथी तबाही मचा देते हैं। हो सकता है रास्ते में कहीं पेड़ वेड़ भी गिरा हुआ मिल जाए, क्योंकि हाथी जब आते हैं तो पेड़ वेड़ अक्सर गिरा जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एक पानी की नहर सी आ रही है, और ये तो आपको 12 महीने मिलेगी लगभग, बस बरसात के टाइम ज़्यादा होती है, आजकल इतनी है, और सर्दियों में और भी कम। तो ये मोनी बाबा की गुफा है, ये बाइक सीधा यहीं से नीचे से ऊपर आई है, और बाकी यहाँ से आगे कुछ ऊपर नहीं जा सकते ऐसे, तो हम इधर चलेंगे अब ऊपर बाबा के दर्शन करने को। आप यहाँ पे जब भी आएँ तो यहाँ तो अपने स्पोर्ट शूज़ और शूज़ भी ना पहन के, अगर स्लीपर पहन के या सैंडल पहन के आ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शूज़ में ट्रैकिंग करते टाइम गर्मी आपके पैर के अंदर बनती जाएगी और छाले वाले हो सकते हैं, अगर आपके ट्रैकिंग शूज़ हैं तो वो बात अलग है। और लेदर के शूज़ पहन के या चमड़े वाली जो रैक्सीन आती है उसके शूज़ पहन के बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि उसका जो सोल होता है वो यहाँ पे बहुत स्लिप करता है। और अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, काई तो फिर भी काफ़ी है, पर जब बरसात का टाइम होता है या सर्दियों की ओस जमा होती है तब बहुत दिक्कत हो जाती है, आप 2 कदम चलते हो 4 कदम पीछे आ जाते हो, अगर आपने लेदर के या रैक्सीन के शूज़ पहन रखे होते हैं तो। ये देखो दोस्तों, हाथी की लीद, और ये हद से एक दो दिन पुरानी लग रही है, और बातों बातों में मैं भी सामने की तरफ जाने लगा। पता नहीं है गोप्रो कैच भी कर पा रहा होगा या नहीं, पर ये देखिए, ये सामने ऋषिकेश दिखाई दे रहा है सारा। ये देखो दोस्तों, ये हाथी की फिर लीज मिली, और ये भी ताज़ी लग रही है। और देखो, कोई रास्ते पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस, पूरा रास्ता सुनसान है, और यहीं आके मुझे खासियत लगती है अधिकतर, बस सावन और शिवरात्रि में भीड़ रहती है। देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, अभी आपको कैमरा नीचे करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो,
और अभी आगे जाके इससे और ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आएगी। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर ऐसी ये थोड़ी नॉर्मल सी आ जाती है, पर फिर थोड़ी देर बाद फिर खड़ी चढ़ाई। दोस्तों यहाँ अगर कभी हाथी वाती आ जाता है, कभी आपको दिखाई दे जाता है, मान लो सामने से आ रहा है, तो आप या तो नीचे चले जाओ और शांत होके कहीं ऊपर चढ़ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी ऐसा मत समझना कि हाथी आपके पास ऊपर नहीं आ पाएगा या नीचे नहीं आ पाएगा, आप तो यूं यूं करके उतरोगे वो सीधा यहीं पहाड़ी से उतर जाएगा सही में, क्योंकि जो पहाड़ के हाथी होते हैं ना वो नहीं देखते, वो तो अपना यूं पैर करेंगे, दो तीन पैर में उनका पूरा पहाड़ एक नीचे हो जाता है पूरा, जो हमें ऑलमोस्ट 2 मिनट लगेंगे पूरा घूम के आने में। या शॉर्टकट भी अगर हम मारेंगे तो हाथी की स्पीड से तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हाथी की नज़र कमज़ोर होती है, आप इधर उधर होके उसको उसकी नज़र से बचते रहना बस, और कहीं साइड में खड़े हो जाना। बाकी उसकी सूंड बहुत लंबी है, कान बहुत लंबे हैं, तो उसकी सूंघने की और सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, बस देखने की थोड़ी कमज़ोर होती है। तो या तो आप बिल्कुल उतर के नीचे चले जाना, या फिर कहीं साइड से आपको लगता हो कि आप यहाँ से चढ़ के ऊपर निकल सकते हो चुपचाप, तो वो निकल जाना। इस समय हम देखो कितने ऊपर आ गए हैं, क्योंकि मैं लगातार चल रहा हूँ, रुक नहीं रहा। मेरे को अच्छा नहीं लगता यात्रा को बीच बीच में रोकना, एक बार शुरू हो गई तो फिर पूरी ही करनी चाहिए, या फिर आप कुछ ज़्यादा थक गए हो कि अब आपसे और चला नहीं जाएगा बिना आराम करे, तो वो बात अलग होती है। तो इतनी ऊपर आने के बाद ये दूसरी जगह पड़ती है जो बैठने के लिए बनाई होती है, और सीज़न के टाइम यहाँ पे आपको पानी शिकंजी वगैरह के स्टॉल मिल जाएंगे, पर अभी यात्री आने वाले नहीं हैं तो इसलिए कोई भी नहीं है। ये देखो दोस्तों कैसे पेड़ गिरा हुआ है रास्ते में, अब ये हाथी ने गिरा या वैसे ही गिरा कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये थोड़ा कच्चा रास्ता भी होता है, आप इससे भी जा सकते हो, थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाता है। मैं इसे जाता तो नहीं हूँ कच्चे रास्तों से, पर ये छोटा सा है और इजी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, और मैं इस पे बिना सपोर्ट दूसरे हाथ की सपोर्ट के बिना भी चल सकता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं तो कैमरा अगर होगा हाथ में और रास्ता ज़रा सपोर्ट लेने वाला होगा दूसरे हाथ की, तो मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। और वैसे मैं अवॉइड ही करता हूँ इस रास्ते को, क्योंकि ये देखो एक ये छोटा सा रास्ता है, तो ये छोटे छोटे रास्ते पे चलने से कोई दिक्कत नहीं है जो हाथी की लीड, और हाथियों के लिए ये रास्ते पक्के होते हैं। अभी ये मत सोचना वो ऐसे ही रास्तों से उतरते हैं, वो यूँ पहाड़ को कट मार जाते हैं सीधा, आखिर यहाँ जंगल में राज है उनका। बाकी दोस्तों यहाँ पे चढ़ाई करते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप नीचे देख के चल रहे हो, क्योंकि अगर ऐसे किसी गड्ढे में आपका पैर चला गया तो पैर मुड़ सकता है, मोचा सकती है, और आपकी आगे की चढ़ाई पूरी करनी या नीचे वापस जाना दोनों भारी हो सकते हैं। तो यहाँ कुछ सरसर की आवाज़ आ रही है, या कोई कीड़ा वीड़ा है या सांप भी हो सकता है, क्योंकि नीलकंठ बाबा के दरबार में सांप नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा।
वैसे भी ये जंगल है पूरा, तो जंगल में तो कुछ भी हो सकता है, आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते, कुछ भी हो सकता है। जय भोले जी। देख रहे हो दोस्तों रास्ते को कैसे घेर लिया इन झाड़ियों ने, क्योंकि लॉकडाउन के कारण यहाँ लोगों को आना जाना नहीं हो रहा होगा, तो उन्होंने अपना इलाका बड़ा कर लिया है। बाकी ये देखो रास्ता कैसे बंद पड़ा है, ये तो हाथी का काम है 101%। ये हबड़ तबड़ डंडियों का टूटना, पेड़ के ऐसी कम तैसी होना, ये हाथी का ही काम है, किसी और का नहीं है। तो आप अकेले आ रहे होगे तो हो सकता है ऐसे में देख के डर भी जाओ कि हाथी ने अभी अभी पेड़ गिराया है, पर ये हो सकता है 2-3 दिन पुराना भी हो, क्योंकि कई बार पेड़ गिर जाते हैं और जब तक गांव वालों को जब तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती तब तक वो पेड़ को नहीं हटाते, या फिर वन विभाग वाले आके हटाते हैं। कई बार तो महीनों महीनों 2-2 महीने तक यूँ ही पेड़ गिर रहते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था, मैं आ रहा था यहाँ पे दर्शन करने न्यू ईयर पे, और 2 भक्त लोग मुझे और मिले थे रास्ते में। तो हमारे तो सुबह सुबह सर्दियों में न्यू ईयर के टाइम, तो वैसे ही अंधेरा बहुत था, 5 बजे भी खूब अंधेरा था, और हमने 5:30 बजे तक चढ़ाई शुरू कर दी थी। तो लगभग इसी रास्ते पे ही यहीं कहीं आसपास एक पेड़ गिरा मिल गया था, रोशनी पूरी हुई नहीं थी, वो लोग डर गए थे, और जैसे ही वो डरे मैं भी डर गया। उन लोगों ने कहा अरे पेड़ गिरा हुआ है, यहाँ हाथी है, अभी 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 गिरा है पेड़, चलो वापस। तो जैसे ही वो वापसी आए डर के मारे मैं भी वापसी आने लगा, लेकिन जैसे ही 10-15 कदम पीछे की तरफ बढ़े होंगे तभी मुझे ध्यान आया कि यार मेरे पास तो डमरू भी है और जानवर शोर से दूर भागते हैं, तो मैंने अपना डमरू निकाल लिया था और डमरू बजाते हुए पूरी यात्रा करी थी। तो कभी आप अकेले हो, आप कुछ डर लग रहा हो, तो थोड़ा शोर करिए, रोशनी करिए और खूब चिल्लाइए या जोर से गाइए या भगवान का भजन गुनगुनाइए, आपका डर ख़त्म होने लगेगा। तो भगवान का भजन गुनगुनाओगे तो एक अलग हिम्मत आएगी, जो इस रास्ते से क्या अच्छे से अच्छे जंगल को पार करवा देगी। जय भोले बाबा की। तो देख लो दोस्तों कैसा रास्ता हो रखा है, आगे भी ऐसा ही है। जय भोले की। तो देखिए कैसे लोग दर्शन करके आ रहे हैं, कुछ लोग खाली जाना करते हैं चढ़ाई करके वापसी गाड़ी से आते हैं, कुछ लोग जाना और आना दोनों चढ़ाई करके ही करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चढ़ाई के नाम से घबराते हैं तो वो सिर्फ अपने सड़क वाले रास्ते से गाड़ी से आते हैं। लेकिन हम तो भोले बाबा के दीवाने हैं, हम तो जिस रास्ते से चाहें उस रास्ते से चले जाएंगे। बोलो जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। दोस्तों शायद आपको कुछ नीचे दिख रहा होगा, ये ऋषिकेश शहर है सारा, गंगा जी भी दिख रही है यहाँ से, और ये हम लगभग आधा रास्ता पूरा कर चुके हैं, और अब जाके मैंने 5 मिनट बैठ के आराम लिया था क्योंकि सांस काफ़ी ज़्यादा फूलने लगी थी, पसीना काफ़ी तेज तेज आ रहा था, और मेरे पास पानी भी नहीं है। हमेशा तो मैं पानी साथ में लेके आता था, बैग होता था, बैग में बोतल रख लेता था, पर इस बार मेरा बैग नीलकंठ बाबा के धाम पे ही है, तो पानी की बोतल वगैरह भी सब वहीं है,
और रास्ते में पानी की बोतल मैंने कैरी करी नहीं। मैं सोच रहा था यार इतनी बार तो आ जा चुके हैं, कर ही लेंगे, पर अब लग रहा है कि पानी की बोतल लेके आनी चाहिए थी। तो यहाँ आगे और यहाँ पीछे कोई नहीं है, बीच में मिले थे दो तीन भगत, पर अब पूरा रास्ता फिर से खाली। धूप हो रही है, सीधा सर पे लग रही है, गला सूख रहा है बहुत तेज। बस अब मन कर रहा है कि कहीं से पानी मिल जाए। वेल, और दो तीन किलोमीटर बाद पानी का नलका मिल जाएगा तो वहाँ हम पानी पियेंगे। जरा बोले की तो अब जाके थोड़ा सीधा रास्ता मिला है। इतनी देर बाद टांगों को बहुत राहत मिल रही है, पूरे शरीर को एक तरीके से सुकून मिल गया। ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही मुझे, अपने आप चल रहा हूँ। ऊपर आते हुए जो मेहनत करनी पड़ रही थी उसके मुकाबले यहाँ मेरे को 0.1% करनी पड़ रही है बस। तो फिर से चढ़ाई सी शुरू हो गई है। अब काफ़ी देर बाद जाके मैंने दोबारा आराम कराया क्योंकि थकान हो गई थी काफ़ी। ये एक लकड़ी का पेड़ सा गिरा हुआ था, इस पर मैं बैठ गया और मैंने ये को याद आ गया मेरे बैग में टॉफ़ी पड़ी हुई थी तो इसे खा के थोड़ा एनर्जी लेते हैं। ऐसे रास्ते पे जब आप थक रहे हो बहुत ज़्यादा तो ऐसी छोटी छोटी टॉफ़ी आपको काफ़ी एनर्जी दे सकती है। और मेरी राय में तो जब कभी आप ऐसे रास्ते पे जाओ तो जो टॉफ़ी आती है पल्स वाली या ऐसी टॉफ़ियाँ जिसमें नमक ज़्यादा होता है तो वो ज़रूर लेके चलो आप अपने साथ। बाकी पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए और एक गमछा ऐसा या एक टॉवल जो आपके बार बार पसीना पोंछने में काम आएगा। बम बम बम, जगत रचाने वाले शिवोम अनादि, जगत रचाने वाले। देखो दोस्तों, मैं इतना थक रहा था, मैं एक जगह बैठा और एक टॉफी खाई है और अब भोले बाबा के भजन शुरू करे हैं तो एकदम सी एनर्जी सी आ गई है। अब ये टॉफ़ी का कमाल है या बाबा के भजन का कमाल है, जो भी कहो, लेकिन भोले का नाम लोगे तो ये रास्ता कट ही जाएगा। अब शायद जयकारे लगेंगे बढ़िया करके। देखिए ये आ गए, बोल जयकारा वीर बजरंगे, बोल जयकारा वीर बजरंगे, बोल जयकारा वीर बजरंगे। यहाँ तक हम ऊपर आए हैं, अब यहाँ से थोड़ा नीचे उतरेंगे हम और फिर एकदम खड़ी चढ़ाई आएगी और यही एंड की चढ़ाई सबसे ज़्यादा थकान करती है। और वो ऊपर सामने देख रहे हैं आप टावर और बिल्डिंग दिख रही होगी, सीधा वहीं जाना है हमको। दियो देख रहे हो आप कैसी खड़ी चढ़ियाँ हैं यहाँ से, और ऐसा ही अब जितना रास्ता है वो यही खड़ी छड़ियों वाला है, ऐसा ही है सारा रास्ता। और अभी थोड़ी देर में आपको बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखने वाला है जहाँ से आपको पूरा ऋषिकेश नज़र आएगा। तो दोस्तों ऊपर आते हुए दो रास्ते पड़ते हैं पहाड़ के, आप दोनों में से किसी पे भी आ जाओ सीधा नीलकंठ बाबा के यहीं पहुंचोगे। बस एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा लंबा, अब मुझे दिखाना ध्यान नहीं रहा था कौन सा छोटा है। अब ये आपकी किस्मत है कि आप छोटा पकड़ो या लंबा पकड़ो। तो इस रास्ते से हम ऊपर आए हैं और यहाँ ये
दो नलके हैं जिसमें पहाड़ का ताज़ा पानी आता है, इसे पी सकते हो आप, बिल्कुल साफ़ होता है। बिस्लरी से बढ़िया लगेगा आपको और बढ़िया होगा भी। और इतना ऊपर चढ़ने के बाद अगर आप प्यासे हो तो इससे बढ़िया पानी शायद ही आपके लिए दुनिया में होगा कोई। इधर से हम ऊपर आए हैं और एक रास्ता ये आता है, ये रास्ता आपको लंबा पड़ेगा, ये छोटा पड़ेगा। और इधर सीधा थोड़ी सी और सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद सीढ़ियाँ कोई नहीं होगी, चढ़ाई कोई नहीं होगी, सिर्फ आपको नीचे ही उतरना पड़ेगा। अब यहाँ से टोटल जो नीलकंठ बाबा का मंदिर रहता है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है, तो अगर हम 8 किलोमीटर की यात्रा मारें तो 6 किलोमीटर हम पूरे कर चुके हैं, और अगर 18 किलोमीटर की माने तो 16 किलोमीटर पूरा कर चुके हैं। तो साथियों यहाँ से ऊपर चढ़ते चढ़ते हम सीधा ऊपर आ गए हैं। देखो यहाँ से क्या नज़ारा दिखेगा आपको। अभी तो धूप है, खैर तो बढ़िया नज़ारा नहीं दिख रहा, लेकिन एक ये जो नज़ारा दिखता है इसी के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ हमेशा। बूम 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 बूम। ये देखो साथियों, अब वो वाला व्यू उधर छुप गया है, इधर पहाड़ के पीछे वो व्यू वहीं तक था, अब इधर से अलग पहाड़ दिखेंगे। तो वो जो आपको सामने खंभा दिखाई दे रहा है, टीम दिखाई दे रही है, यहाँ पे चढ़ाई एंड होती है। इसके बाद से सिर्फ नीचे उतरना उतरना और उतरना, और ये नीचे उतरना ही 1.5 किलोमीटर का है लगभग। तो ये भी अच्छी खासी कसरत करवाई देता है। यहाँ से हमारा उतरना शुरू हो गया है, यहाँ से हम बस अब नीचे ही उतरेंगे। तो ये पूरी सीढ़ियाँ ऐसी हैं रास्ते में, ऐसे ही हम उतरते उतरते मंदिर के द्वार तक पहुंचेंगे। तो साथियों ऊपर से नीचे आते हुए ये दिखेगा आपको, ऐसा दो रास्ते सामने जा रहे हैं, एक रास्ता ये नीचे जा रहा है, हमें सामने वाले रास्ते पे चलना है, आप किसी और रास्ते पे नहीं चले जाना, क्योंकि कई बार यहाँ कोई होता नहीं है जो आपको बता सके, और आप किसी और रास्ते पे चले गए तो फिर थोड़ी ज़्यादा आगे चले गए तो काफ़ी देर लग जाएगी वापसी आने में। पर ये जो रास्ता है नीचे, ये मेरे ख्याल से पार्वती मंदिर जा रहा है घूम के यहाँ से, और फिर नीलकंठ बाबा पे आता है। तो जो भी यहाँ गाड़ी वाड़ी आती है वो यहीं से घूम के आती है, और सीधा हम जाएंगे सीढ़ियों से, 1.5 किलोमीटर पड़ेगा, और अगर इस रोड से जाते हैं हम गाड़ी से तो ये रास्ता लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों ऊपर से आके ये साइन बोर्ड बना हुआ है, कहीं आप ऐसा ना हो कि इस पर बिना ध्यान दिया आगे चले जाओ, वो रास्ता गांव में जाता है। और इधर भी ये बना हुआ है, श्री नीलकंठ मंदिर मार्ग। तो यहाँ से आपको नीचे का कुछ कुछ दिखने लग गया होगा, अभी थोड़ी सी नीचे उतर के और साफ साफ नज़र आ जाएगा सब कुछ, बाबा का भवन भी नजर आएगा। तो देखो साथियों
यहाँ का मंदिर नज़र आता है, एक ऊपर मंदिर दिख रहा होगा आपको, वो मंदिर नीलकंठ बाबा का नहीं है, जो नीचे वो दिख रहा है उस मंदिर के, वो है नीलकंठ बाबा का मंदिर। और बाकी ये भैरव बाबा के मंदिर पे ही आके दिखाई देता है। तो ये भैरव बाबा का मंदिर है, कहा जाता है कि नीलकंठ बाबा की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक हम भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लेते। तो ये धूना बना रखा है जो बाबा जी यहाँ रहते होंगे। तो ये है दोस्तों सामने बाबा का मंदिर, लाइट नहीं है, मैं थोड़ी लाइट जगा देता हूँ। ये देखो, जय हो बाबा, जय हो आपकी। तो वो जो ऊपर वाला मंदिर दिख रहा है उसके ठीक नीचे ये जो है, ये है बाबा का भवन। तो ये जो आप बैरियर देख रहे हो, यहाँ पे डंडे वंडे लग जाते हैं और ये पूरी दो लाइनें बन जाती हैं। कई बार तो दोनों लाइनों में लोग जाते हैं, कई बार एक जाने की और एक आने की। और यहाँ तक लाइनें लेकिन सिर्फ सावन में या फिर शिवरात्रि में ही लगती हैं, और लोगों का दो दो घंटे बाद, तीन तीन छः छः घंटे बाद नंबर आता है। जो लेट आते हैं और काफ़ी पीछे लगते हैं उनका नंबर तो ये समझ लो सुबह के खड़े हुए शाम को आता है, सावन के सोमवार में या फिर अपने शिवरात्रि पे। यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रखा है तो कुछ ढंग से नजर नहीं आ रहा हूँ, पर अभी रोशनी आने वाली है। ओहो, कुछ ज़्यादा ही अंधेरा है। तो ये यहीं से ही अधिकतर सोमवार के दिन लाइन लगनी शुरू हो जाती है, सोमवार के दिन ज़्यादा होती है भीड़, आगे पीछे नहीं होती। तो साथियों, ये रास्ता है जिसमें आप जाके अंदर मंदिर पहुंचते हो, ये सब पूरा रास्ता है ऊपर से आने के बाद राइट साइड में, और ये नीचे रास्ता है, ये हमें लेके जाएगा बाहर मेन गेट पे। तो मेरी बाइक बाहर खड़ी है, मैं अभी उसे देखने जा रहा हूँ, बाकी उस रास्ते से मैं दिखाता हूँ। आप जाओगे तो यहाँ सारी लाइन होती है, वो सीधा आपको बाबा के मंदिर में ले जाएगी। तो यहाँ कोई भी नहीं है अभी, सब लोग दिन में आए दर्शन करके चले गए, बहुत ही कम जने हैं बस। तो ये हमारी पैदल यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और अपने सभी साथियों के साथ, खासकर जो भोले बाबा के भक्तों, उनके साथ शेयर ज़रूर करना। क्योंकि मैं सुबह बाइक से आके स्पेशली पैदल चढ़ के दोबारा आया हूँ, टैक्सी करके, मतलब टैक्सी करके उतरा था और फिर अब चढ़ाई करके आया हूँ स्पेशली, तो सुबह से बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अब अगर आपने लाइक और शेयर भी नहीं करा तो फिर कैसे काम चलेगा।